वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की, सियासी, मुआशी और गवर्नेंस के इशूज पर बात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन, अरकान की तकर्री के बारे में अहम फैसले होंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कानून साजी पर मुशावरत होगी। काबीना इक्तसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अरकान की तकर्री का मामला श्री मिजारी की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए तकर्र इलेक्शन कमीशन अराकीन का अहम इन कैमरा इजलास। तीन नाम वज़ीर आज़म और तीन नाम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तजवीज़ किए। पार्लिमानी कमेटी की छह नामों में से दो पर इतफाक राय की कोशिश। इतफाक राय ना हुआ तो मामला दोबारा अदालत जाने का इम्कान। LNG केस, नैब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म समेत 10 मुल्ज़िमान नामजद, एक कंपनी को 21 अरब रुपए से ज़ायद का फायदा पहुंचाया गया। 2029 तक कौमी खजाने को 47 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गैस बिलों की मद में 68 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। रेफरेंस का मतन। बच्चों ने अब्बू को मना लिया। आसिफ अली जरदारी ने करप्शन केसेस में जमानत के लिए दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पार्कलेन और मनी लॉन्ड्रिंग में अलग अलग दरखास्त दायर। ट्रायल मुकम्मल होने तक दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। दरखास्त में मौकिफ, स्पेशल बच्चे की वालिदा हूँ, उसकी देखभाल के लिए जमानत मंजूर की जाए। फरियाल तालपुर ने भी दरखास्त जमा करा दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की, सियासी, मुआशी और गवर्नेंस के इशूज पर बात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन, अरकान की तकर्री के बारे में अहम फैसले होंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कानून साजी पर मुशावरत होगी। काबीना इक्तसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अरकान की तकर्री का मामला श्री मिजारी की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए तकर्र इलेक्शन कमीशन अराकीन का अहम इन कैमरा इजलास। तीन नाम वज़ीर आज़म और तीन नाम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तजवीज़ किए। पार्लिमानी कमेटी की छह नामों में से दो पर इतफाक राय की कोशिश। इतफाक राय ना हुआ तो मामला दोबारा अदालत जाने का इम्कान। LNG केस, नैब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म समेत 10 मुल्ज़िमान नामजद, एक कंपनी को 21 अरब रुपए से ज़ायद का फायदा पहुंचाया गया। 2029 तक कौमी खजाने को 47 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गैस बिलों की मद में 68 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। रेफरेंस का मतन। बच्चों ने अब्बू को मना लिया। आसिफ अली जरदारी ने करप्शन केसेस में जमानत के लिए दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पार्कलेन और मनी लॉन्ड्रिंग में अलग अलग दरखास्त दायर। ट्रायल मुकम्मल होने तक दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। दरखास्त में मौकिफ, स्पेशल बच्चे की वालिदा हूँ, उसकी देखभाल के लिए जमानत मंजूर की जाए। फरियाल तालपुर ने भी दरखास्त जमा करा दी।